नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे, आज देखेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बहुत सारे टाइप है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट का ए है, तो इसमें क्रमागत संख्याओं का योग करना, मीन्स कोई सा भी नंबर अगर सीक्वेंस में दिया रहता है तो उसका हम लोग कैसे एडिशन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को बस छोटा छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा छोटा सा ट्रिक है, उसके माध्यम से हम लोग आसानी से हम लोग क्या है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को पहले एन निकालना होगा, तो एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कोई सा भी नंबर दिया है तो उसका लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर दोनों का डिफरेंस वो निकालेंगे, दोनों का सबट्रैक्ट करेंगे और दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे। इसमें इसको हिंदी में क्या है, प्रथम संख्या माइनस नहीं अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन सार्वांतर। सार्वांतर मीन्स जैसे कि ये देखो क्वेश्चन में 2, 4, 6, 8, 0, तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच, तो वही हम लोग को डिफरेंस निकालना है। और इसमें जैसे कि 21, 22, 23 दिया है, तो इसमें क्या है डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो एडिशन निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर इंटू एन, यहाँ पे जो एन निकाले हैं उसको एन यहाँ पे रखना है अपॉन 2। ठीक है, तो चलो आप सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये दिया है 2, 4, 6, 8, अब तो कितना तक दिया है 60, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एन पहले निकालेंगे, लास्ट नंबर 60 माइनस फर्स्ट नंबर क्या है 2 अपॉन क्या करना है डिफरेंस, डिफरेंस इसका कितना है 2, 4, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 58, 60 में 2 गया तो 58 अपॉन 2 मीन्स क्या आया 29। ठीक, एन एन का वैल्यू कितना आया 29। अब यहाँ पे फिर क्या करना है, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या है 60 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू क्या करना है एन मीन्स 29। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 62 अपॉन 2 इंटू 29 मीन्स 31 इंटू 29 अगर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ का जो आंसर आया वो क्या आया 899। इसको मल्टीप्लाई किए 9 1 9 9 3 27 और 31 2 62 इसको ऐड किए तो क्या आया 899। ठीक है, इसका तो हम लोग को पता चल गया। आप सेकेंड वाला सॉल्व करो, 21 22 23 अप टू कितना है 75 तक है। ठीक है, तो इसमें लास्ट नंबर क्या है, अगर एन निकालें, एन निकालेंगे यहाँ पे, तो लास्ट नंबर है 75 और फर्स्ट नंबर क्या है 21 अपॉन डिफरेंस इसमें कितना है 1 2 3 4 मीन्स इसमें 1 का डिफरेंस है। ठीक है, 1 का डिफरेंस है तो क्या आएगा, 75 में 5 में 1 गया तो 4 और 7 में 2 गया तो 5 मीन्स कितना आया 54 आया। ठीक है, अब ये इसका एन का वैल्यू है, अब यहाँ पे एडिशन हम लोग निकालेंगे। एडिशन क्या होगा, लास्ट नंबर मीन्स 75 प्लस फर्स्ट नंबर प्लस 21 अपॉन क्या होगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 54। ठीक है, तो हम लोग जैसे निकालेंगे तो क्या आएगा, ये तो हो गया 96 अपॉन 2 इंटू 54। ठीक है, तो 96 अपॉन 2 मीन्स 48 इंटू 54। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 जा 32 का 2 कैरी कितना है 3, 4 4 जा 16 19, 5 8 जा 40 का 0 और 4 5 5 4 जा 24 मीन्स 2952। इसका जो वैल्यू है, इसका जो है आंसर क्या आएगा 2592। इस तरह से हम लोग क्या है बहुत इजीली टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें पूछा है कि 3 के प्रथम 10 गुणज। ठीक है, 3 के प्रथम 10 गुणज मीन्स 3 का क्या है मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना बार, 10 बार, तो क्या आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग फार्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर इंटू क्या हो जाएगा एन। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 प्लस 30 इंटू क्या हो जाएगा
थ्री प्लस 30 इंटू टू इंटू क्या करेंगे कितना 10 गुणा 6, ठीक है, एन का वैल्यू कितना है 10 बार बोला है, ठीक है, तो 3 प्लस 30 इंटू 10 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 33 अपॉन 2 इंटू 10, ठीक, तो 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, तो 165 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइप 1 का बी देखते हैं, ठीक है, तो इसमें जोड़ी गई संख्याओं का क्या है योग ज्ञात करना है हम लोग को। जोड़ी गई संख्याओं का योग ज्ञात करना मीन्स क्वेश्चन डायरेक्ट दिया है तीन क्रमागत संख्याओं का योग क्या है 24 है, ठीक बीच वाली संख्या का योग क्या होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या है योग अपॉन एन। अगर ठीक बीच वाली संख्या बोलता है, ठीक बीच वाली संख्या का बोलेगा तो क्या होगा योग अपॉन एन हो जाएगा, और अगर सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो योग अपॉन एन माइनस 4 हो जाएगा, योग मीन्स एडिशन, ठीक है, और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो योग अपॉन एन प्लस 4। इसमें तीन टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक बीच वाली संख्या मीन्स मिडिल नंबर, और सबसे छोटी संख्या मीन्स सबसे मीन्स स्मॉलर नंबर, और सबसे बड़ी संख्या मीन्स बिगेस्ट नंबर। ये तीन टाइप से क्वेश्चन ऐसे में पूछ सकता है। तो देखो इसमें क्या पूछा है तीन क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, तो योग अपॉन एन करेंगे हम लोग, योग अपॉन एन करेंगे तो क्या होगा, क्या है तीन क्रमागत संख्याओं का योग मीन्स कितना होगा, योग टोटल कितना है 24 है, और कितना बोला है तीन, ठीक है, बटे तीन इक्वल टू क्या जाएगा 8, इसका यही आंसर है फर्स्ट वाले का, ठीक बीच वाली संख्या बोलेगा तो ओनली योग अपॉन एन मीन्स 24 अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 आ गया, ठीक है। अब देखो पांच क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या क्या होगी हम लोग को ये निकालना है, तो पांच क्रमागत संख्या पहले तो योग इसका क्या हो जाएगा मीन्स 80 अपॉन 5 इक्वल टू कितना होगा 16 मीन्स 16, ठीक है, हम लोग का तो योग निकल गया। अब पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या का क्या करना है योग अपॉन एन इंटू माइनस 4, तो सबसे छोटी संख्या अगर निकालनी होगी, अगर छोटी संख्या की बात हो 16 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है, अगर सबसे बड़ी संख्या बोलेगी तो 16 प्लस 4 इक्वल टू क्या जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, इजी है ना, ठीक। अब देखो इसमें तीन टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, योग अपॉन एन अगर ठीक बीच वाली संख्या पूछेगी तो, और अगर सबसे छोटी संख्या पूछेगी तो योग अपॉन एन माइनस 4 हो जाएगा, और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछेगी तो क्या होगा योग अपॉन एन प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइप टू, टाइप टू में क्या है अगर वर्ग दिया है या फिर, तो अब देखते हैं वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए हम लोग का ये फॉर्मूला है एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6, जहाँ पे एन क्या है हम लोग का लास्ट नंबर है, और ये फार्मूला कब यूज होगा एन एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन 6, ये फार्मूला तब यूज होगा जब क्या है नंबर सीक्वेंस में नहीं होगा, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तब ये यूज होगा, और जब नंबर क्या है सीक्वेंस में रहेगा तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। मीन्स देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू 80 का स्क्वायर दिया है, तो इसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा, लेकिन अगर नंबर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अगर ऐसे दिया है उसमें नंबर में डिफरेंस है तो ये वाली फार्मूला यूज होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या है वर्ग अगर निकालना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का 4 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर निकालना है तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला फार्मूला यूज होगा, जबकि अगर ऐसे डिफरेंस दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर तो ये वाली फार्मूला यूज होगी। जो चलो आप सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका एडिशन वर्गों का योग क्या हो जाएगा, ये देखो फार्मूला कितना है 80, ठीक एन कितना है 80 तक है, ठीक है। अब देखो एन प्लस 1 मीन्स 80 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, और अब 2n प्लस 1 2n मीन्स 2 इंटू एन मीन 80 इंटू 2 160 प्लस 1 इंटू 160 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको सबको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा आंसर, सबसे पहले तो इसको अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो 2 3 जा और 2 40 जा हो जाएगा, और 3 1 जा और 27 जा, तो 40 इंटू 27 इंटू 161, अगर इसका सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 173880, ठीक है।
8880 आप लोग क्या है मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक, अब देखो अगर इसका निकालना चाहे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू क्या है 19 का स्क्वायर। ठीक, तो 19 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 19। यहाँ देखो ये सीक्वेंस में है 1 2 3 4, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला होगा n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सेकेंड वाले के लिए होगा, तो क्या होगा 19 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 2 क्या हो जाएगा 38 प्लस 1 39 अपॉन क्या हो जाएगा 60। तो 6 2 3 जा 2 10 जा 3 1 जा 3 13 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 इंटू 19। ठीक है, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 0 जा 9 0 और 19 3 जा 57 का 7 करी कितना है 5, 19 1 जा 19 और 5 24 2 4 7 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड का। अब देखो थर्ड वाले का, थर्ड वाले का कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए फॉर्मूला यह है कि अगर सीक्वेंस ऐसा दिया है 2 4 6 8 ऐसा दिया है, इसमें तो 1 2 3 4 दिया था तब ये फार्मूला यूज हुआ, जबकि अगर अगर ऐसे डिफरेंस वाले सीक्वेंस है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, मींस n इनटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 हो जाएगा। तो 2 4 6 8 अप टू कितना है 20 है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू जो है वो 20 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू एन प्लस 1 21 इंटू एन प्लस 2 22 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे 2 3 जा 2 10 जा, ठीक है 3 1 जा 3 7 जा, मीन्स 70 इंटू 22। ठीक, तो ये तो 2 0 जा 2 14, ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी 114 मीन्स 0 4 5 1 1 5 4 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे अगर निकालें तो n n क्या है 37 है, मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 इंटू 38 इंटू 39 अपॉन 6 हो जाएगा। तो 2 3 जा 2 3 जा और 2 19 जा हो जाएगा। ठीक है, अब 3 1 जा 3 13 जा हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर क्या करोगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इजी तो नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना इसका जो आंसर आएगा। ठीक है, 19 13 जैसे किसका करेंगे 19 इंटू 13, ठीक है 13 9 जा 1 7 1 1 7 मीन्स 7 कैरी कितना है 11, 13 1 जा 13 और 11 24, 247 इंटू 37। अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते रहे तो हम लोग का टाइम और लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं कर रहा था। 7 7 जा 49 का 9 कैरी कितना है 4, 7 4 जा 28 और 4 32 का 2 कैरी कितना है 3, 7 2 जा 14 और 3 20 17। ठीक है, 3 7 जा 21 का 1 कैरी कितना है 2, 7 3 4 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी कितना है 1, 3 2 जा 6 और 1 7 9 3 1 और 9, ये हम लोग का आंसर है। ठीक, अब देखो अगर संख्याओं के घनों का योग, मीन्स अगर क्यूब के फॉर्म में दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अप टू 60 का क्यूब, यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 60 है। ठीक, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 60 इंटू 61 अपॉन क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 मीन्स 60 प्लस 1 मीन्स 61 अपॉन 2, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 60 इंटू 2 मीन्स ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 31 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आएगा 30 इंटू 31, इसका जो आंसर आएगा वो 3348900 ऐसा आंसर आएगा। यहाँ का भी क्या आएगा 30 इंटू 61 अपॉन 2 का होल 30 इंटू 61 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी वही आंसर आएगा 3348900। ठीक है, समझ आया सबको।